Hello everyone, I am Priya Chauhan and I am going to present my topic, which is computer memory and its type. So first of all, what is computer memory? Computer memory is a physical device hai jiska use hum log data and instruction and information ko store karne ke liye karte hain. Memory ki zarurat kyun hai? Jo bhi programs, software, files, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऑडियोज एंड वीडियोज कंप्यूटर में होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग कंप्यूटर मेमोरी में ही स्टोर कर सकते हैं. दैट्स वाई हमें कंप्यूटर मेमोरी की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड होती है एंड ये एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है. मीन्स जैसे ही हम लोग पावर ऑफ़ कर देते हैं या स्विच ऑफ़ कर देते हैं, तो पावर सप्लाई ऑफ़ करने के बाद इसमें जो भी डेटा स्टोर होते हैं वो अपने आप इरेज हो जाते हैं. फर्स्ट तो प्राइमरी मेमोरी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये फास्टर टाइप की प्राइमरी मेमोरी होती है, ये डेटा को टेम्परेली स्टोर करती है. रैम जो होता है वो टू टाइप का होता है, एस रैम एंड डी रैम. फर्स्ट ऑफ ऑल डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. डी रैम जो होता है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, वो टेम्परेली डेटा को स्टोर करता है. ये बिट्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ईच सेल में 1 बिट इंफॉर्मेशन कैरी करता है और जो ईच सेल होते हैं वो ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर के बने होते हैं. हमें डी रैम को बार बार पीरियोडिकली रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है. ये मोस्टली यूज्ड प्राइमरी मेमोरी है, ये चीपर होता है एस रैम के कंपैरिजन में. तो डी रैम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये एस रैम से स्लोअर होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है कंपैरेटिवली एस रैम, ये कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर का, ये लेस पावर कंज्यूम करता है. देन सेकेंड इज एस रैम. एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये स्टैटिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डी रैम से ज़्यादा फास्टर वर्क करता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसकी लाइफ लॉन्गर होती है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज ये इसमें कैपेसिटर का कोई यूज़ नहीं होता है. देन सेकेंड टाइप की प्राइमरी मेमोरी है रोम. रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ये एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है. मीन्स अगर हम लोग पावर सप्लाई ऑफ कर दें तब भी इसमें जो डेटा है वो अपने आप इरेज नहीं हो सकता है. ये रीड ओनली मेमोरी है, मीन्स हम लोग इसमें कोई भी चीज़ को राइट या प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं. ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एम रोम, पी रोम, ई रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एम रोम? एम रोम मीन्स मास्ट रीड ओनली मेमोरी. एम रोम में हम लोग कोई भी चीज़ को रीड या कोई भी चीज़ को प्रोग्राम नहीं कर सकते बिकॉज ये यूज़र के थ्रू ही प्रोग्राम प्री प्रोग्राम्ड आती हैं. ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और ये फर्स्ट रोम है. सेकेंड है पी रोम. पी रोम को यूज़र जो है सिर्फ एक बार कोई भी चीज़ राइट कर सकता है, इसमें हम लोग इसको बार बार इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. देन थर्ड वन इज़ EP ROM का फुल फॉर्म होता है इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें हम लोग डेटा को या किसी भी प्रोग्राम को सिर्फ एक बार इरेज कर सकते हैं और इरेज हम लोग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोजर ऑफ UV लाइट्स. इसको हम लोग सिर्फ एक बार ही इरेज कर सकते हैं, बार बार नहीं. बट EEP ROM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें हम लोग बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजर हम लोग डेटा को बार बार इरेज एंड बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं. देन सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को होल्ड करके रखता है. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं. ये डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड नहीं होता है, ये नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है. मीन्स अगर हम लोग पावर सप्लाई को ऑफ कर दें तो भी इसमें जो डेटा है वो स्टोर रहेगा या फिर सेव रहेगा, अपने आप इरेज नहीं होगा. तो कुछ फीचर्स है सेकेंडरी मेमोरी की कि इसकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है लाइक ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा. ये सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है अनटिल यूज़र अपने आप
उसको डिलीट या इरेज ना कर दें। देन सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारी टाइप्स की होती है, जैसे SD कार्ड, फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये एक परमानेंट स्टोरेज होता है। ये एक नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है जो कि प्रोग्राम को स्टोर करती है, लाइक सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियोज़। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड में इंटरनली प्रेजेंट होता है। देन सेकेंड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक और कोटेड डिस्क है जिसको हम लोग ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये पोर्टेबल होता है। इसको हम कभी भी कंप्यूटर से अटैच या डिटैच कर सकते हैं जिससे हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर। बट प्रॉब्लम यह है कि फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। दैट्स वाई इसको हम आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का मेन यूज़ हम लोग करते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में या डेटा को बैकअप करने के लिए। इसमें सिर्फ हम लोग स्मॉल फाइल्स का ट्रांसफ़र इधर से उधर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है सो हम लोग इसे ईजिली कैरी कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क मेनली थ्री साइज में मिलती है, जैसे 8 इंचेस, 5.5 इंचेस, 3.5 इंचेस। एंड नेक्स्ट वन इज CD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज, ये एक सर्कुलर डिस्क होती है जो कि थिन लेयर ऑफ मेटल से बनी होती है। इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है। सर्कुलर डिस्क जो होता है वो ऑप्टिकल रेज का यूज़ करता है, यूजुअली लेज़र बीम टेक्नोलॉजी को, डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो CD की वो अप्रॉक्स 783 MB की होती है। एंड CD जो होता है थ्री टाइप्स का होता है, CDR, CD-ROM एंड CDRW। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज CD-ROM? CD-ROM स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये प्री प्रोग्रामेबल होता है, लाइक जो भी हम लोग मार्केट से मूवीज़ की या किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की CD खरीद के लाते हैं वो मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही उसमें डेटा मतलब आता है, उसे हम लोग इरेज या मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते। सेकंड है CDR। CDR मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मीन्स इसमें हम लोग ब्लैंक CD मार्केट से लाते हैं एंड इसमें सिर्फ हम लोग एक बार कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे हम लोग कॉलेजेस एंड स्कूल में प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके देनी होती है तो हम लोग सिर्फ एक बार इस CD का यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज CDRW। CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मीन्स इसमें हम लोग बार बार डेटा को मतलब रीड राइट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, बार बार प्रोग्राम भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज DVD। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD जो होता है वो एग्जैक्टली CD की तरह होता है। इसमें जो इसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो CD की तरह ही होती है। बस मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि ये CD के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। लाइक CD स्टोर करती थी 783 MB, बट DVD जो है वो स्टोर कर सकती है 4.7 GB टू 17 GB। और ये इसलिए होता है क्योंकि DVD जो होती है वो अपने दोनों साइड में डेटा को स्टोर करती है। देन थर्ड वन इज़ ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी सेम CD एंड DVD की तरह होती है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी। ये जो होता है हाई डेफिनेशन की ऑडियो एंड वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, लाइक HD वीडियोस जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है जो कि ब्लू रे डिस्क प्रोवाइड करता है। ये अप्रॉक्स 128 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। देन लास्ट वन इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक पोर्टेबल डिवाइस है जो कि परमानेंटली स्टोर करता है डेटा को। इसे हम लोग USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये डेटा को स्टोर या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये 64 MB से लेके 128 GB या फिर उससे ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक स्मॉल साइज चिप बेस्ड कंप्यूटर मेमोरी है जो कि CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में प्रेजेंट होती है। ये एक फास्टर टाइप की मेमोरी होती है। ये एक टेम्प्रेरी मेमोरी है जो कि CPU के परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। ये ऑल टाइप्स ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जो कि हम लोग ऑफन यूज़ करते हैं। ये
एक्सेस टाइम को रिड्यूस करती है और ये एक फास्टर टाइप की मेन मेमोरी है। इसे हम लोग सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये सीपीयू से बहुत सीपीयू के बहुत क्लोज प्रेजेंट होती है। साइज के हिसाब से एंड स्पीड के हिसाब से इसको डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है, लाइक लेवल वन कैश, लेवल टू कैश एंड लेवल थ्री कैश। लेवल वन कैश को हम लोग ऑन बोर्ड इंटरनल या फिर प्राइमरी कैश पे बोलते हैं, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। देन सेकेंड वन इज़ लेवल टू कैश, इसे हम लोग एक्सटर्नल या फिर सेकेंडरी कैश पे बोलते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो लेवल वन से थोड़ी सी कम होती है। ये डेटा को टेम्प्रेरली स्टोर करता है और ये सीपीयू में इनबिल्ट नहीं होता है, ये मदरबोर्ड में प्रेजेंट होता है। फाइल लेवल वन जो होता है वो सीपीयू में इनबिल्ट होता है। लेवल थ्री ये जनरली लेवल वन और लेवल टू के कंपेरिजन में इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। देन लास्ट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होता है वो फास्टर मेमोरी होता है कंपेयर टू मेन मेमोरी। ये ऑल टाइप ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कि रिपीटेडली हम लोग यूज़ करते हैं ताकि सीपीयू के परफॉर्मेंस को इनहांस कर सके। ये एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। थैंक यू।